थाने की पुलिस ने 6 शातिर चोर व 1 बाल आबचारी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को पुराना कचहरी परिसर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज मंडल उर्फ बाटू पुत्र बीचन मंडल निवासी महाराजपुर नया टोला तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, दूसरा सुनील महतो पुत्र स्वर्गीय सियाराम महतो निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, तीसरा परन कुमार पुत्र स्वर्गीय दाताराम नुनिया निवासी तीन पहाड़ टोला बाबूपुर थाना तीन पहाड़ जिला साहबगंज झारखंड, चौथा करण कुमार पुत्र स्वर्गीय दाताराम नोनिया निवासी तिलपहाड़ टोला बाबूपुर थाना तिलपहाड़ जिला साहबगंज झारखंड, पांचवा तेतर महतो पुत्र स्वर्गीय गोरख महतो निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, छठवां मोहम्मद सज्जाम अंसारी पुत्र मोहम्मद जहांगीर निवासी तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड व सातवां बाल आबचारी के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 11 मोबाइल, चोरी के मोबाइल बेचने से प्राप्त 7,700 रुपए नगद व 305 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह गिरोह थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड का है, जो अपने गांव के और अगल बगल के गांव के लड़कों को 10,000 से 12,000 रुपया पर रखते हैं एवं बड़े बड़े शहरों में किराए का मकान लेकर रहते हैं, वहां से इस गैंग का संचालन करते हैं। यह गैंग सुबह 10 बजे से घर से निकलते हैं, अपने साथ के लड़कों जिनकी उम्र 10 से 12 वर्ष है उनको भीड़ भाड़ वाले जगहों जैसे मॉल शोरूम दुकान आदि पर लाकर छोड़ते हैं, और ये लड़के अपने साथ प्लास्टिक का थैला एक हाथ में लिए रहते हैं, जिससे आड़ करते हैं एवं भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर ये लोगों की जेब से मोबाइल व पैसा निकाल लेते हैं। ये उन मोबाइल को जब निकालते हैं तो इनके साथ बड़ा आदमी जो रहता है वह इनको लेकर वहां से निकल जाता है, और संयोग बस कभी बच्चे पकड़ लिए जाते हैं तो ये अपने वकील के माध्यम से इनकी जमानत तुरंत नाबालिग न्यायालय से करा लेते हैं। ये बच्चे जब पकड़े जाते हैं तो ये कुछ भी पूछने पर नहीं बताते और सिर्फ यही कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं प्लेटफॉर्म पर सोता हूँ, मैं घूमने गाँव से चला आया था। इस प्रकार यह एक सप्ताह में करीब 15 से 20 मोबाइल चोरी कर लेते हैं और किसी व्यक्ति से या स्वयं अपने गांव ले जाकर मोबाइल को साइबर अपराध करने वाले जैसे पश्चिम बंगाल झारखंड के जामतारा आदि क्षेत्रों में अच्छे दाम पर बिक्री कर देते हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। इनके गैंग के आज से पूर्व 2 बच्चों को पकड़कर चोरी के प्रयास में जेल भेजा गया था, जो मात्र 2 दिन में बाल न्यायालय से छूटकर दोबारा अपराध करने लगे हैं। इनके वकील सेट हैं, ये यदि पकड़े जाते हैं तो तुरंत वकील छुड़ाने के लिए थाने पर दस्तक दे देते हैं एवं प्रलोभन देकर छुड़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ 9 जनवरी को कैंट थाने के वी मार्ट से आईफोन चोरी किए थे, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। ये ओरियन मॉल में 31 दिसंबर को घटना किए थे और 4 जनवरी को बेतिहाता सब्जी मार्केट से इन्होंने चोरी किया है, जिसमें मोबाइल बरामद किया गया है और जो बेच दिए हैं उनका पैसा बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, कांस्टेबल राजेश यादव, संजीत यादव, विकास यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार ने कहा,
जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि भीड़भाड़ के जितने भी इलाके, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, या फिर चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इस तरह की जो भी जगह है जहाँ पर भीड़ लगती है, वहाँ पर ये छोटे बच्चों को, जो कि झारखंड के साहबगंज के रहने वाले हैं, अपने गांव के आसपास के बच्चों को 10 से 12 हज़ार रुपया मैं हर महीने की सैलरी के रूप में वहां से लेके आते हैं यहां पे, और यहां लाने के बाद ये बच्चे को छोड़ देते हैं किसी भीड़भाड़ वाली जगह पे, उसको एक झोला दे देते हैं, और वह बच्चा बड़ी सफाई के साथ में वो फ़ोन को चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद में पास में जो भी बड़ा खड़ा रहता है, बड़ा व्यक्ति, उसको वो दे देते हैं अपने गिरोह के सदस्य को, और उसके बाद में वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने 31 तारीख को ओरियन मॉल के अंदर कई घटनाएं की, वी मार्ट में कई घटनाएं की, बेतियाता में भी इस तरह की घटनाएं की। इस तरह की बार बार घटना होने की सूचना मिलने पर थाना कैंट द्वारा एम पुलिस को एक्टिव किया, और फिर आज इन्होंने 11 मोबाइल, जो कि करीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत के मोबाइल हैं, और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7,500 रुपये के आसपास नकदी भी बरामद हुई है। गोरखपुर में आपको बता दूँ, उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थाना कैंट द्वारा ही कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, फिर उनको बाल अपचारी होने के नाते चाइल्ड हेल्पलाइन में दे दिया था ताकि सुधार हो, लेकिन उसके बाद में बच्चा फिर दोबारा पकड़ा गया, फिर उसको बाल अपचारी होने के नाते बाल संरक्षण गृह में भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी कोर्ट ने उनको 3 दिन में जमानत दे दी, उसके बाद में फिर आज फिर पकड़ा गया है, तो फिर से विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह ये चोरी करते थे? ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब व्यक्ति अपनी कोई सामान खरीदने, सब्जी खरीदने या मॉल में कहीं बिजी रहता है, उसी समय ये बिना पलक झपके तुरंत से मोबाइल को निकाल लेते हैं बड़ी सफाई के साथ, वही उनका एक्सपर्टीज है। और लेकिन गोरखपुर पुलिस और कैंट पुलिस स्पेशली, इससे पहले भी इन्होंने एक गैंग जो रेलवे चौकी प्रभारी है उनके निर्देशन में उन्होंने अच्छा काम किया था, और इस बार चौकी प्रभारी जटेपुर द्वारा ये एक अच्छी गैंग का है वो खुलासा किया गया। थैंक यू।